एवरीवन गाइस वेलकम टू माय चैनल। ये जय माता दी, आज सातवां दिन सातवें मंदिर के दर्शन कराती हूँ। ये मंदिर पास में ही है तो इसमें हमें चाबी रखी। तो ये देखिए यहाँ पे ये टेम्पल भी दिखाऊंगी, रात का भी घूमना भी रहेगी। ये देखिए यहाँ का वहाँ पर भी हम जाएंगे शिव, तो सीधे हम जाते हैं शिव मंदिर। तो ये जो शिव का मंदिर बना हुआ है, इसमें शिव की पिंडी, माता गौरी और माता पार्वती और कार्तिक गणेश जी और नंदी बाबा, ये हैं। यहाँ पे लोटा भी रखे रहते हैं, नाव भी है, तो आप जाओ इतनी पूजा कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आप घर से सामान ले रहे हो तो आप पूजा नहीं कर पाओगे, वहाँ पर भी कर लेते हो। सामने सांपट में फूल वगैरह ये सब चीज़ें भी मिल जाती हैं, तो वो भी आप लेकर चढ़ा सकते हो घर से। और बस यहीं के लिए ये पैसा करने का है तो पैसा कर सकते। और ये देखिए ये है, तो अभी इसका मैं थोड़ा सा दिखाया, रात में इसका पूरा व्यू दिखाऊंगी। यहाँ पे सनी लोग, सनी जी का मंदिर है। और ये सारे देखिए नौग्रह, ये पूरे नौग्रह बने हुए हैं। तो देखिए सबके अलग अलग कपड़े, अलग अलग मतलब ड्रेस, जिस हिसाब से जो ग्रह के जो होता है उस हिसाब से बनाया गया है। और यहाँ पे ये जो शिव प्रतिमा बनी हुई है, तो ये दिन का भी हुआ, रात में लाइट का भी दिखाएंगे, इसमें लाइट के चलते हुए। और ये देखिए शंकर जी के कितने जो दिखाए गए, कौन कौन से लोग लिखते रहे थे जिन्हें कुछ और मांग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और ये पूरा जितना भी ये इस साइड था, इस वाले एरिया में पूरे में शंकर जी का ही था। यहाँ से देखिए प्रसाद वरसाद भी ले सकते, फ्लावर वगैरह पत्ते बेलपत्र वगैरह। यहाँ देखिए तुलसी का प्लांट लगा हुआ है। तो और यहीं पे जो केवली होती है उसका भी, या बृहस्पति वगैरह पूजा करने का, वो भी मिल जाएगा आपको मंदिर में, सब मिल जाता है। और मंदिर के जस्ट बाजू में वो वाला पेड़, पीपल का पेड़ भी लगा हुआ है, तो आप उधर भी जैसे कर सकते हो पूजा वगैरह। और वैसे यहाँ से देखिए सीढ़ी चढ़ गए, थोड़ा सा यहाँ पर काम चल रहा था इसलिए। देखिए सीढ़ियों से जाएंगे अब हम ऊपर, ऊपर की सारी प्रतिमा दिखाएंगे। ये रात में लाइट जलते हुए तो शिव की जो प्रतिमाएँ हैं बहुत थी। अभी मैं देखिए शाम के टाइम गए थे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लोग जल चढ़ा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह ही जो चल चढ़ाते थे, जो कि ऑफिस वगैरह वैसे नहीं आ पाए, वो शाम को भी पूजा करने आते हैं यहाँ पर लोग। और यहाँ पर देखिए ये सारे जो मैंने आपको बोला था रात में दिखाएंगे, ये है प्रतिमा। तो ये शिव पर शंकर जी और पार्वती की फोटो है, और पर्वत कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो यहाँ से तो हम दिखा चुके थे आपको नौगरे में ही, यहाँ पे ये सब चीज़ें देखिए। ये लाइट सेक्शन में मुझे तो कलर बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट कलर है, किसी में ऑरेंज है, किसी में येलो, किसी में ब्लू, बहुत अच्छी लग रही है। मतलब रात में भी इसका बिल्कुल अलग ही वो दिखता है। तो लाइट में भी दिखाया मैंने आपको और उसमें भी। अब देखिए यहाँ से हम चले गए, यहाँ से हम निकलेंगे बाहर। तो बाहर जाके ऊपर के लिए देखिए, पहले मैं छोड़ती हूँ जो मैंने पिक्स क्लिक कलेक्ट की थी फोटो खींची थी। ये सीढ़ी वाला जो रह गया था वो यहाँ से हम जाएंगे ऊपर, और जो ये फोटो थी वो ऊपर वाली थी, तो उसको मैंने आगे कर दी। और यहाँ पे जो आरती चल रही थी, हम बहुत सही टाइम दिखा सकते, आरती चल रही थी, तो यहाँ से हम आपको दिखाएँगे। यहाँ पर भी बहुत बड़ा हॉल है और बहुत जगह है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोटो बनी हुई है, बहुत बड़े बड़े फ्रेम टाइप के लगे हुए हैं, बहुत मतलब इसमें पूरा लिखा हुआ है, बना हुआ है, तो बहुत अच्छा है। आपको अगर आसपास रहते तो आप ज़रूर जाएँ, बहुत पास में मंदिर है, ये एड्रेस मैं बताऊँगी। और ये देखिए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं माता रानी के दिन से, तो माता रानी के देखिए तेरह वाली माँ की मंदिर, मेरी माँ को दर्शन यहाँ से करते हुए हम पैदल से रास्ता है यहाँ से हम जाएँगे। तो ये देखिए पूरा जो उनके बने हुए, मतलब पूरी कथा टाइप की जो बड़े बड़े फ्रेम लगे हुए हैं ना, उसी में पूरा मिल जाएगा आपको, और बहुत अच्छे बने हुए हैं। और देखिए यहाँ से फ़ोटो स्टार्ट हुए, तो जो जो जिनके नाम हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं, और आप आराम से इनके दर्शन कर सकते हैं। तो आप देखिए, इस बार मैं नाम नहीं बताऊँगी, मैं एक्चुअली एक बार पहले भी वीडियो इसका डाल चुकी हूँ, नाम भी बताया था। अब आप देखिए कौन से भगवान जी हैं। मुझे ये प्रतिमा बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी है, जो कांच से बनी हुई है ना, ये बॉल में पेंटिंग बहुत अच्छी है। तो आप नवरात्रि चल रहे, तो मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से आराम से दर्शन कीजिए, तो इसलिए ये फोटो आराम से वीडियो किया गया है।
और बीच में थोड़ा सा हो गया था, मैं दरअसल में लग गई, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि वीडियो का जो है कैमरा वो नीचे आ गया था। मेरा एक वीडियो है, अगर आप उसको देखना चाहे तो मुझे बताइए, मैं भेजूँगी। उसमें सबके मतलब और अच्छे से नाम भी बताया गया है कि कौन है, परेशान है, कौन से लोग शॉप में, सारी चीज़ों की मतलब डिटेल बताई गई है। ये नहीं दिख रही इसलिए मैं बता रही हूँ, ये गोस्वामी जी की फ़ोटो थी, राधा कृष्ण की थी। और ये देखिए, ये तो दिख रही है, जो दिख रही हैं वो आप पहचानो, और जो नहीं दिख रही वो मैंने आपको बता दी है। और सामने बालाजी के जस्ट सामने वो नहीं इसमें हुआ क्योंकि कैमरा नीचे था, मैं मतलब उसमें मगन हो गई थी। ये सूर्य भगवान का मंदिर बहुत कम जगह मिलता है, यहाँ पे है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही हम गेट के अंदर आए थे तो ये सारी मैं सामने से देख रही, जिसमें गौरी माँ का मैंने आपको वो माता अम्बे का दिखाया था, दुर्गा माँ का, और ये जस्ट सामने राम दरबार, और यहीं पे मतलब ये विष्णु जी का बना हुआ है, लक्ष्मी विष्णु जी का, और सब मतलब मंदिर बने हुए हैं, और उसमें पट भी लगे हुए, मतलब द्वार भी उनके बने हुए हैं, गेट बंद कर देते हैं जब उनके शयन टाइम होता है और हर चीज़ का। और देखिए ये जो है हनुमान जी का भी मंदिर है, तो यहाँ पे भी मतलब हर उसमें इसमें गेट लगे हुए हैं जैसे कि उनको बंद कर दें जब उनका आराम करने का टाइम होता है, सुबह शाम जैसे भी होता है तो सारा अच्छे से बंद होता है। और ये देखिए यहाँ पे अभी आरती मिली, तो आरती भी मिल गई हमें, और हनुमान जी, फिर ये राधा कृष्ण जी का भी है, और राधा कृष्ण जी के भी था माता अम्बे का, तो जो हमने माता दुर्गा का दर्शन किए थे यहाँ से शुरू थी ऐसी लाइन, तो मैं इसके बाजू वाले रास्ते से गए थे, तो उनकी पूरी परिक्रमा भी होती जाती है और सारे भगवान जी के दर्शन भी हो जाते हैं। तो आप जरूर जाइए, तो बहुत अच्छे हैं मंदिर में, हम जाए करिए मंदिर शांत होता है। तो ये जो मंदिर है राम मंदिर सूर्यनगर में गाजीबाग में, तो आप अगर मिले टाइम तो आप जरूर जाइए। जय माता दी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।